सो हेलो गाइस, मेरा नाम फेलिक्स और आप देख रहे हैं टेक्निकल फेलिक्स। सो गाइस, अगर आप खोज रहे हैं एक लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीस तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको पांच लैपटॉप्स की बात करने वाला हूं जो आपको अंडर 50,000 रुपीस में देखने को मिलते हैं। एंड इन सब जितने भी लैपटॉप्स बताने से पहले मैंने कुछ क्राइटेरिया रखा है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। इन सब जितने भी लैपटॉप्स हैं, इन सभी आपको फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, और इन सभी जितने भी लैपटॉप्स हैं इन सभी कम से कम 8GB का रैम और 1TB का हार्ड ड्राइव या 512GB का SSD होना चाहिए। और इन सब जितने भी लैपटॉप्स हैं सभी में आपको OS जो है विंडोज का 10 या 11th देखने को मिलने वाला है। इन सब जितने भी लैपटॉप्स हैं इन सभी में कम से कम इंटेल का i5 10th या 11th जनरेशन वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। एंड मैंने एक AMD का भी प्रोसेसर जो इंक्लूड करा हुआ है जो कि Ryzen 5 5500U है, जो एक लेटेस्ट आया है वही वाला है। इन सब जितने भी लैपटॉप्स हैं इन सभी में डेफिनेटली आप जो डेलीवर या फिर मैं मल्टीटास्किंग वगैरह डेफिनेटली कर पाएंगे। इन सब जितने भी लैपटॉप्स हैं इन सभी में गेमिंग वगैरह डेफिनेटली कर पाएंगे, बट आप जो है सुपर हैवी गेम्स डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे और प्रोग्रामिंग और कोडिंग वगैरह सभी इसमें अच्छे से जो है कर पाएंगे। सो अगर आपका बजट है 50,000 रुपीज तो ये वीडियो आगे देखते रहिए। तो यही वाला गाइस आज के इस वीडियो में, तो चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लो, साइड में लगा बेल आइकन को भी जरूर दबाना ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस बिना देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ लिस्ट पर जो लैपटॉप बता हुआ है गाइस MSI की तरफ से आने वाला मॉडर्न 14। अगर हम इस लैपटॉप की बात करें तो इसमें आपको जो है 14 इंच का FHD डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 8GB रैम 512GB SSD। एंड इसमें आपको जो है इंटेल का i5 10th जनरेशन वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। एंड इसमें गाइस आपको जो है गेमिंग वगैरह डेफिनेटली इसमें अच्छे से करवाएंगे, परफॉर्मेंस के मामले में ये भी बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको जो है विंडोज 10 देखने को मिलता है विद, इसका वेट की अगर मैं बात करूँ जो है 1.3 kg है, यानी एक बहुत ही अच्छा लाइट वेट लैपटॉप है। एंड ये भी गाइस एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लैपटॉप चाहिए 14 इंच एंड वेट भी चाहिए कम तो ये लैपटॉप डेफिनेटली आप इसे जो है देख सकते हैं। फोर्थ प्लेस पे जो लैपटॉप होता हुआ है डेल की तरफ से आने वाला वोस्ट्रो 3400। अगर हम इस लैपटॉप की बात करें इसमें आपको 14 इंच का FHD डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 8GB रैम एंड 1TB का हार्ड ड्राइव इसमें देखने को मिलता है, मतलब SSD। और इसमें आपको जो है इंटेल का i5 11th जनरेशन वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। एंड इसमें आपको जो है विंडोज 10 देखने को मिलता है, इसका वेट थोड़ा उससे ज्यादा जो कि 1.58 kg है। तो अगर ऑल ओवरऑल अगर बात करें इस लैपटॉप की, इसमें भी आपको बहुत अच्छे परफॉर्मेंस वगैरह सभी इसमें देखने को मिलता है एंड इसका वेट भी इसमें आपको जो ठीक ठाक हालांकि देखने को मिलता है। एंड इसमें आप जो है कंसीडर कर सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। थर्ड प्लेस पर जो लैपटॉप आता हुआ है रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी बुक प्रो। अगर हम इस लैपटॉप की बात करें इसमें आपको 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 8GB रैम 512GB SSD। एंड इसमें आपको जो इंटेल का i5 11th जनरेशन वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। एंड इसमें आपको जो OS जो है विंडोज का 10 देखने को मिलता है, इसका वेट जो है 1.8 kg है। इसमें आपको परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही अच्छे इसमें देखने को मिलता है और ये भी एक बहुत अच्छे लैपटॉप है, इसे भी आप जो है कंसिडर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को इसका भी मिल जाएगा। सेकंड प्लेस पर जो लैपटॉप आता हुआ इस लेनोवो की तरफ से आने वाला आइडिया पैड 3। अगर हम इस लैपटॉप की बात करें इसमें आपको 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले देखने को मिलता है, 8GB रैम 512GB SSD और इसमें आपको AMD का Ryzen 5 5500U देखने को मिलता है। एंड इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है एंड इसमें आपको विंडोज 10 देखने को मिलता है, 1.5 kg का वेट है। ये भी गाइस एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, इसका भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा जहां से आप जो परचेस कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस पर जो लैपटॉप आता हुआ है अपना Acer की तरफ से आने वाला Aspire 7। अगर इस लैपटॉप की बात करें इसमें आपको जो है 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 8GB रैम 512GB SSD एंड इसमें आपको इंटेल का i5 10th जनरेशन वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड इसका भी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इसमें देखने को मिलता है। एंड इन सब जितने भी लैपटॉप्स मैंने बताया उन सभी आपको इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है, बट इसमें आपको जो है डेडिकेटेड GPU देखने को मिलता है जो कि गाइस आपका NVIDIA का GeForce GTX 1650 है। तो इसमें आपको ग्राफिक के मामले में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इसमें भी देखने को मिलने वाला है क्योंकि इसमें आपको डेडिकेटेड देखने को मिलता है। इसमें आपको विंडोज 10 देखने को मिलता है, इसमें 2.15 kg का वेट है, मतलब इसका वेट डेफिनेटली भारी है थोड़ा बहुत। एंड ये भी एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप है स्पेशली अगर मैं बात करूं तो, इसका भी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा जहां से आप जैसे परचेस कर सकते हैं। हालांकि बताना था पांच बार मैंने इसमें और एक लैपटॉप जो है रखा है जो कि है Acer की तरफ से आने वाला Aspire 3। इसमें भी आपको वही 15.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एक FHD डिस्प्ले है। इसमें आपको 8GB रैम है, इसमें 1TB का हार्ड ड्राइव देखने को मिलता है, इसमें CPU जो है वही इंटेल का i5 10th जनरेशन वाला देखने को मिलता है, विंडोज 10 इसमें भी देखने को मिलता है। बट इसका वेट गाइस इसमें आपको जो है 1.9 kg का जो कि बहुत ही अच्छा है, इसे आप कंसीडर कर सकते हैं, इसका भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ये थे कुछ लैपटॉप्स जो कि देखने को मिलते हैं अंडर 50,000 रुपीस। डेफिनेटली इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा जहां से आप जो परचेस कर सकते हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेस कीजिए। एंड यही था गाइस आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।